वेलकम टू कुक विद किरण। दोस्तों नवरात्र आने वाली है तो हम नवरात्र की कुछ स्पेशल व्रत की डिशेस बनाएंगे। आज हम बनाएंगे साबुदाना की खिचड़ी। ये बिल्कुल खिली खिली और बिल्कुल अलग अलग उसके दाने होंगे। आप देखिए इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो देखिए आपकी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्र की साबुदाने की खिचड़ी। दोस्तों मैंने 100 ग्राम साबुदाने ले लिए हैं जिसे मैंने 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था। ये लिया है मैंने आधा चम्मच सेंधा नमक, यानी कि इसे व्रत का नमक भी कहते हैं। ये मैंने 8-10 काली मिर्चों को थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है और ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं और 2 मिर्चियों को मैंने सीधा स्लाइटली काट लिया है। दोस्तों ये मैंने 50 ग्राम सेंधदाने लिए हैं, यानी कि मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली थी, इसे मैंने थोड़ा सा सेक लिया, उसके छिलके उतार के फिर इसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। इसका मैंने पूरा पाउडर बना दिया है। ये मैंने एक आलू को रफली चॉप कर दिया है, ये बॉइल्ड है। तो चलिए दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून तेल। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और ये आलू डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। दोस्तों आप इसमें अपनी मर्जी से जीरा वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, राई डाल सकते हैं। हम व्रत में ये सब चीजें नहीं खाते, इसके लिए मैंने इसमें सिर्फ कड़ी पत्ते का तड़का लगाया है। अब हम इसमें डाल देंगे साबुदाने। ये जो हमने मूंगफली पीस के रखी थी इसे भी डाल देंगे और ये नमक और काली मिर्च इसे भी डाल देंगे और गैस को बिल्कुल कम कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमें 1-2 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है। दोस्तों 2 मिनट तक इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दोस्तों सिर्फ 1 मिनट रखना है, नहीं तो हमारे साबुदाने पूरे कढ़ाई में लग जाएंगे। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा देंगे। आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, हरे धनिया से इसका स्वाद और बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोग व्रत में हरा धनिया नहीं खाते, इसके लिए मैंने इसमें नहीं डाला। तो दोस्तों हमारी साबुदाना खिचड़ी तैयार है, गैस को हमने बंद कर दिया है। तो चलिए इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे साबुदाने एक दूसरे में बिल्कुल नहीं चिपके, ये बिल्कुल अलग अलग है, एक एक दाना अलग अलग है। तो दोस्तों आप अगर ऐसी खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेन बात यह है कि जो हमने सेंधदाने पीस के रखे थे उसका हमें बिल्कुल पाउडर बना देना है, तभी ये बिल्कुल अलग अलग बनते हैं और इसे अच्छी तरह से भिगोना है। तो चलिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी खिचड़ी का मजा उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।